ओम अज्ञान्तमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भगवद गीता के 42वें और 43वें श्लोक के बारे में, दूसरे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यपि अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्रति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो कुछ दिन पहले मीडिया में एक न्यूज़ आई थी कि हैदराबाद के पास एक परिवार के लोग वहाँ पर मार्केट में गए और उन्होंने कुछ मछली खरीद कर अपने घर में जाके उससे कुछ व्यंजन उन्होंने बनाया और उसका सेवन किया। और कुछ देर बाद क्या हुआ, एक एक करके उसके परिवार में जितने भी लोग थे वो सब उन सबको कुछ अस्वस्थता अनुभव हो रही थी। सब लोग जाके अस्पताल में एडमिट हुए और 3 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। तो ये जो मछली जो उन्होंने खाया उसको कहते हैं पफर फिश। तो ये पफर फिश लोग जानते हैं कि कई बार इस पफर फिश से जो व्यंजन बनाए जाते हैं अगर वो सही तरीके से वो बनाया नहीं जाता है तो वो विषैली हो जाती है और उसके कारण कई लोगों की मृत्यु आज तक हुई है। जापान में भी लोग इस पफर फिश को खाने के लिए, जो एक डेलिकेसी मानी जाती है, दूर दूर के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और उसको खाते हैं और बहुत बार लोगों की मृत्यु भी होती है फिर भी लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो ये परिणाम जाने बिना केवल उस स्वाद के लिए लोग अपने जान को भी खतरे में डाल देते हैं। तो ये मूर्खता के कारण है। तो अंजाम को जाने बिना केवल एक क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग अपने जान को भी खतरे में डाल लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वेदों में भी कई ऐसी संस्तुतियां की गई हैं कि आप इस प्रकार के यज्ञ करेंगे या इस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे या इस प्रकार के आप तपस्या करेंगे, इस प्रकार का व्रत रखेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। लक्ष्मी जी की पूजा करो, उनके लिए कोई कुछ हवन करो, यज्ञ करो, इस प्रकार के व्रत रखो उनके लिए तो आपको धन मिलेगा। आप अगर सूर्य देव की पूजा करते हैं तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बलवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक संस्तुतियाँ वेदों में दी गई हैं और लोग उनके प्रति मोहित होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि ये अगर इंद्रिय तृप्ति मुझे मिलती है तो मैं बहुत ही संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं सुखी बन सकता हूं। तो लोग क्या करते हैं, जो वेदों का पालन नहीं करते हैं, जो अपने देश में लोग रहते हैं उनका सोच ये रहता है कि मैं किसी प्रकार से मैं अमेरिका जाऊं या फिर मैं दुबई जाऊं या फिर कोई अन्य देश जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऐसे देश में मैं जाऊंगा और वहां पर मैं अगर वास कर सकता हूं तो फिर मैं बहुत ही सुखी हो जाऊंगा। क्योंकि
वहाँ का जीवन का स्तर भारत से कई गुना अधिक बेहतर है। तो इससे बेहतर जीवन का जीवन शैली का स्तर जो है वेदों में वर्णन किया गया है कि स्वर्गलोक में मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को दिन में 2 या 3 बार स्नान करना पड़ता है वरना शरीर से बदबू आती है, और इसीलिए लोग ओडी कोलोन या सेंट ये सब लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं टीवी में अनेक एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि इस प्रकार का आप परफ्यूम लगाइए, आप जो दूसरे लोग हैं आपके प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाएंगे। इस प्रकार के कई एडवर्टाइजमेंट्स आप भी देखते होंगे। किंतु स्वर्गलोक में लोगों वहाँ पर जो वास करते हैं वहाँ के देवताओं के शरीर स्वाभाविक रूप से सुगंधित हैं, उनको परफ्यूम नहीं लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली परफ्यूम्ड है वहाँ के बॉडीज। और वहाँ का वर्णन है कि यहाँ जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण बहुत हो रही है, और उसके कारण कई सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कई कदम भी उठा रही है सरकार कि कैसे इस प्रदूषण का नियंत्रण किया जाए। तो वहाँ पर स्वर्गलोक में ऐसे प्रदूषण है ही नहीं, वहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ है। और ये भी वर्णन किया गया है कि वहाँ पर नंदन कानन जैसे बहुत ही रमणीय उपवन और गार्डन्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, पार्क्स होंगे वहाँ पर, और वहाँ की अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं। इस प्रकार के अनेक वर्णन दिए गए हैं। वहाँ पर लोग सोमरस पीते हैं, तो यहाँ पर लोग मदिरा पीते हैं और अगले दिन जब उठते हैं तो उनको हैंगओवर होता है, सरदर्द होती है, वहाँ पर सोमरस पीने से ऐसे कुछ नहीं होता है। तो जीवन में भोग को आनंद भोग को इंद्रिय भोग करने के लिए वहाँ पर जो व्यवस्था है यहाँ से बहुत अधिक अच्छे स्तर पर की गई है। तो ऐसे वर्णन जब लोग वेदों में सुनते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं स्वर्गलोक कैसे जाऊँ। तो उसके लिए वेदों में अनेक अनुष्ठानों की संस्तुति की गई है, कई प्रकार के व्रत रखने से हम स्वर्गलोक कैसे जा सकते हैं, इन सब का वर्णन दिया गया है। तो इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हैं, तो ऐसे लोग सोचते हैं कि वेदों का शास्त्रों का अभिप्राय यही है कि हमें कैसे स्वर्गलोक जाना है और वहाँ पर कैसे हम इंद्रिय सुख को पा सकते हैं। किंतु ये लोग नहीं समझते हैं कि जैसे इस पफर फिश को खा के लोग अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं, उनको पता नहीं है इस मछली को खाने से मेरा अंजाम क्या होगा। ठीक उसी प्रकार इस इंद्रिय भोग का अंजाम, अंतिम अंजाम क्या है, लोग नहीं जानते। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ये सुख जो भी हम इंद्रिय तृप्ति का सुख जो भी हम भोग रहे हैं, इसका एक प्रारंभ होता है और इसका एक अंत भी होता है। और जब हमारे पुण्य कर्म, जो भी हमने व्रत किया हुआ है, जो भी वेदों का अनुष्ठान करके जो भी हमने पुण्य कमाए हैं, वो जब समाप्त हो जाएगा तो स्वर्गलोक से पुनः हमें इस पृथ्वीलोक में हमें पुनः हमारी पतन होगी और फिर से हमें यही जो जीवन हम अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर और जो परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, उसी को दोबारा हमें सामना करना पड़ेगा। तो स्वर्गलोक जाके वापस आने में क्या हमें लाभ मिल सकता है? तो ऐसे लोग जो स्वर्गलोक और फिर इसी भौतिक जगत में जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त रहते हैं या फिर उनका जीवन का उद्देश्य है ये है कि मैं कैसे दूसरे अच्छे देश में जाऊं और मेरी अपनी आर्थिक स्थिति उसको कैसे मैं अच्छा करूं, जिनका संपूर्ण ध्येय और ध्यान इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, उनके हृदय के अंदर कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्मों के प्रति उस पर स्थिर रहना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को आप जाके कहेंगे कि आपको 1 साल का ये व्रत रखना है, चातुर्मास का व्रत रखना है। इस चातुर्मास का व्रत 4 महीनों में आप इसका व्रत पालन करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे इस प्रकार के आपको फल मिलेंगे, तो वो कर लेंगे। और अगर आप कहेंगे पयोव्रत, 1 साल के लिए आपको पयोव्रत आप अगर रखेंगे
तो आप बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे, तो वो भी करने को तैयार होंगे। किंतु आप अगर उनसे कहेंगे प्रतिदिन आप केवल 10 मिनट के लिए हरे कृष्ण मंत्र 108 बार जप करें, तो वो उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। मेरे पास समय नहीं है इसके लिए, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, ये बहुत ही कठिन है। तो हृदय के अंदर वो एक दृढ़ निश्चय हो पाना संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार का ध्येय बना लेता है, केवल वही भक्ति के पथ पर चल सकता है। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त मत रहो और तुम अपना जीवन का ध्येय हरे कृष्ण, अपना जीवन का ध्येय आत्म साक्षात्कार तुम्हारा जीवन का ध्येय होना चाहिए और इसके लिए तुम परिश्रम करो, अपना कर्तव्य जो है उसका पालन करो और जो फल उससे आता है उसके प्रति तुम आसक्त ना रहो। और तुम जीवन का तुम्हारा जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए वापस भगवत धाम जाना। तो ये भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं भगवत गीता के अंदर। तो हमें इन भौतिक सुखों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें अपना जीवन का ध्येय, हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें अपना जीवन का ध्येय बना लेना चाहिए। अपना जीवन का जो भी हमें भौतिक कर्म है, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन तो करना चाहिए हमें साथ के साथ, किंतु हमारा जीवन का ध्येय यही नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हमें सुखी जीवन नहीं बिताना है, ये नहीं है, किंतु जीवन का ध्येय यही नहीं होना चाहिए। तो जैसे कहते हैं कि जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता तो है, लेकिन जीवन का उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और वापस भगवत धाम कैसे हम जाएं। तो इससे हम सच्चा आनंद अनुभव कर सकते हैं, वरना जो जीवन की जो एक संघर्ष है, अस्तित्व का संघर्ष जो है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसमें कोई आनंद अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना भी हम धन अर्जन कर लें, जितना भी हम धनी हो जाएं, जिस देश में हम जाएं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका हम चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई सारे कठिनाई समाप्त हो जाएंगे। वहाँ पर मैं अगर कोई व्यक्ति अमेरिका पहुँच जाता है, ऐसा नहीं कि अमेरिका के वासियों के लिए वृद्धावस्था नहीं होती है, या फिर वहाँ के लोगों को कोई रोग नहीं लगता है, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, यहाँ पर भी हैं। तो आपने इस देश से उधर उस देश में चले गए, लेकिन जीवन के मूल जो समस्याएं हैं उनका आपने कोई परिहार नहीं किया। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रथम जीवन का प्रथम ध्येय और प्रथम उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैसे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चार मूल समस्याओं का उपाय हमें ढूंढ निकालना चाहिए। और वो इस कलयुग में बहुत ही सरल होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस षोडश नाम का शब्दों का एक महामंत्र जो है, इसका जाप करने के द्वारा हम उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। हरे